हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर समझने से पहले हम हमारे जो पिछले वीडियो के जो टॉपिक्स है उसका थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं, जिससे करके ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो पिछले वीडियोस में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता था, वो सिंपली एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता था। वो कैसे कन्वर्ट करता था, तो उसके लिए हमने एक डायोड यूज किया था। वो डायोड को जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते थे तब वो डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाता था, जिससे करके करंट फ्लो कराता था, आउटपुट देता था। उसी तरीके से जब हम वही डायोड को नेगेटिव हाफ साइकिल देते थे तब वो रिवर्स बायस बन जाता था और कुछ भी करंट फ्लो नहीं कराता था, और इस तरीके से साइकिल कंटिन्यूसली चला करती थी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आया कि यहां पे पॉजिटिव जो साइकिल है उसका तो रेक्टिफिकेशन हो गया, उसका तो आउटपुट मिल गया, लेकिन ये नेगेटिव साइकिल का रेक्टिफिकेशन मिला नहीं, यानी नेगेटिव साइकिल का कुछ आउटपुट मिला नहीं। तो उसके लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने एक की बजाय दो डायोड के यूज किए थे, ठीक है। अब जब हम दोनों डायोड को ये वाला प्लस हाफ साइकिल का इनपुट देते थे तब क्या होता था, पहला डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाता था तो आउटपुट में हमें ऐसी साइकिल देता था। फिर जब हमें उसे नेगेटिव साइकिल देते थे तो दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाता था, जिससे करके करंट फ्लो होता था दूसरे डायोड में। फिर पहला डायोड फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो कराया, दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो कराया, इस तरीके से फुल वेव का हम रेक्टिफिकेशन कर देते थे। अब यहां पे हम पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव यानी क्या, ये भी रेक्टिफायर, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल है दोनों साइकिल का रेक्टिफिकेशन कर देगी, यानी ये रेक्टिफायर में भी ऐसा ही आउटपुट हमें मिलने वाला है। अब फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या फर्क है, तो ये फर्क है कि ये जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी एफिशिएंसी इससे बहुत ज्यादा है। दूसरा फर्क क्या है कि ये दोनों रेक्टिफायर जो है ये बहुत ही कम वोल्टेज के लिए हम यूज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के लिए ये वाला रेक्टिफायर हम यूज करते हैं। तो ये हो गया बेसिक आइडिया। अब हम चालू करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन कर देगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का कैसे रेक्टिफिकेशन होगा, ये पॉजिटिव का कैसे रेक्टिफिकेशन होगा वो देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल का ये साइकिल का कैसे रेक्टिफिकेशन हो जाएगा वो देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चार डायोड हमने लगाए हैं वो चार डायोड ब्रिज के फॉर्म में है, यानी ये जो सर्किट है ये इसको हम ब्रिज सर्किट बोलते हैं, इसलिए ये नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब यहां पे कितने डायोड है, 1 2 3 4 डायोड है, ठीक है। सबका नाम दे देते हैं, तो ये सपोज कर देते हैं ये वाला D1 कर देते हैं, ये D2 कर देते हैं, ये D3 कर देते हैं, और ये D4 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एसी इनपुट दे रहे हैं, जिससे करके ये हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वहां पे हमें डीसी मिले, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इतना सारा वोल्टेज जो चाहिए नहीं हमें हमारे अप्लायंसेस में, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को मॉडरेट कर देगा, यानी कम कर देगा, यानी मीडियम कर देगा, ठीक है। बाद में चार ऐसे डायोड लगा देंगे, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट, ठीक है। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। अब हम किसकी बात करेंगे, जब हमने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, यानी ये वाली जब हमने साइकिल दी ये वाली, ठीक है, तब क्या होगा, कैसे इसका रेक्टिफिकेशन हमें मिलेगा वो देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वापस से हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, ये एसी सप्लाई अपनी पोलारिटी फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है, प्लस माइनस पता है आपको। तो हम कोई एक टाइम के लिए, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए बोलेंगे कि यहां पे पोलारिटी प्लस है और यहां पे पोलारिटी माइनस है, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। यानी कि हमने प्लस हाफ साइकिल की बात कर ली, प्लस हाफ साइकिल दे दिया, प्लस माइनस हमने दे दिया, ठीक है, इनपुट दे दिया, ऐसा वेवफॉर्म हमने दे दिया। अब क्या होगा, डायोड की कंडीशंस चेक करेंगे, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, अगर फॉरवर्ड बायस हुआ करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस हुआ करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस कैसे कनेक्शन होते हैं, करेक्ट कनेक्शन, प्लस प्लस माइनस माइनस,
और रिवर्स बायस कैसे कनेक्शन होते हैं, रॉन्ग कनेक्शन, माइनस प्लस, प्लस माइनस, सारी बातें कर चुके हैं, देख लेते हैं यहां पे। अब ये प्लस टर्मिनल यहां पे, तो ये हो गया प्लस, तो इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस, ये प्लस टर्मिनल यहां पे, तो ये हो गया प्लस, इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस। उसी तरीके से ये माइनस टर्मिनल, तो ये माइनस, उसके रिस्पेक्ट में ये प्लस, ये माइनस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, तो ये माइनस, उसके रिस्पेक्ट में ये प्लस हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन से डायोड फॉरवर्ड में है, कौन से रिवर्स में है, कौन से करंट फ्लो करेंगे, कौन से करंट को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डी वन से। डी वन में क्या है, पी टाइप पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप के साथ एन टाइप नेगेटिव के साथ, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लो कराएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा पी टाइप नेगेटिव के साथ एन टाइप पॉजिटिव के साथ, रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन, यानी ये डी4 डायोड कोई भी करंट को फ्लो होने देगा नहीं, क्रॉस मार दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये एन टाइप के साथ नेगेटिव, पी टाइप के साथ पॉजिटिव, करेक्ट कनेक्शन, यानी ये भी करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में है, ये भी फॉरवर्ड बायस में। अच्छा, यहां पे चेक करते हैं P टाइप नेगेटिव के साथ N टाइप पॉजिटिव के साथ, ये भी हमारा रिवर्स बायस में हो गया, D3 भी कोई करंट फ्लो कराने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो दो डायोड की वजह से मिलेगा, कौन से, D1 और D2, कैसे देख लेते हैं। अब हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो यहां से करंट निकला कुछ, ठीक है, ये पॉइंट पे करंट यहां भी जाना चाहेगा, यहां भी जाना चाहेगा, डिवाइड होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि ये D3 कैसा है, रिवर्स बायस, यानी यहां पे तो करंट जा नहीं सकेगा, तो करंट कहां जाएगा, D1 डायोड में से ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पे वापस से करंट के पास दो रास्ते हैं, तो दोनों रास्तों पे जाएगा, दोनों रास्तों पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये D4 किस में है, रिवर्स बायस में है, ये करंट को जाने अपोज करेगा, नहीं जाने देगा, इसलिए यहां से ऐसे निकलेगा करंट, ये हमारे लोड रेजिस्टेंस में जाएगा। सपोज ये पॉइंट कर देते हैं एक्स और ये पॉइंट वाई, फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ये पॉइंट पे वापस से करंट के पास दो रास्ते हैं, ये रास्ते पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो अब करंट यहां से ऐसे फ्लो होगा, ये फॉरवर्ड बायस में करंट यहां से फ्लो होगा, यहां पे वापस दो रास्ते हैं, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां क्या है, रिवर्स बायस, तो करंट यहां जाएगा, यहां जाएगा, यानी प्लस से निकला माइनस में आ गया, एक साइकिल खत्म हो गई, यानी करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब क्या, यहां से हमें एक ऐसा आउटपुट मिल गया। ये आउटपुट किसकी वजह से मिला, डायोड D1 और D2 की वजह से, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, D1 और D2 की वजह से हमें एक आउटपुट मिल गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट का हो गया, ये इनपुट का हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, फॉरवर्ड बायस में रहते हैं, तो हमें आउटपुट दे देते हैं। अब हम ये साइकिल की बात करेंगे, ये हाफ नेगेटिव साइकिल की, तो यहां पे देख लेते हैं हाफ नेगेटिव साइकिल, सेम डायग्राम बनाएंगे। अब एक साइकिल खत्म हो गई, इसका मतलब वापस पोलारिटी चेंज हो जाएगी, यहां पे प्लस था तो अब पोलारिटी यहां पे माइनस, यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस। वापस से हम डायोड की चेक कंडीशन चेक करेंगे, कैसे, ये माइनस तो यहां से ये माइनस, तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्लस, ये माइनस तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्लस। ठीक है, यहां पे प्लस तो ये प्लस और इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस, यहां पे प्लस तो ये भी प्लस और इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस। ठीक है, अब चेक करते हैं डायोड कौन से बायस में है, तो ये हमारा हो गया पी टाइप, पी टाइप प्लस के साथ, नेगेटिव टाइप माइनस के साथ, करेक्ट कनेक्शन, यानी ये कौन सा हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, कौन सा डायोड, D3 डायोड फॉरवर्ड बायस में, यानी करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, अच्छा D1 डायोड का चेकिंग करते हैं, D1 डायोड में क्या है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कैसा हो गया, रिवर्स बायस, कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, अब D4 डायोड की बात कर ले, तो नेगेटिव साइड से नेगेटिव, पॉजिटिव टाइप से पॉजिटिव, तो ये हमारा कैसा हो गया फॉरवर्ड बायस, ये करंट फ्लो कराएगा। ये कौन सा हो गया, नेगेटिव टाइप के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कौन सा, D2 डायोड, वो भी करंट फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहां पे D3 और D4 की वजह से करंट फ्लो होगा, कैसे देख लेते हैं। तो हमेशा करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से निकला, यहां आया, ये दो पॉइंट पे दो रास्ते करंट के लिए, यहां तो जा नहीं पाएगा, क्यों, ये क्रॉस किया है, रिवर्स बायस है, तो कहां जाएगा करंट, फॉरवर्ड बायस में से ऐसे करके निकलेगा।
ये पॉइंट पे वापस से करंट के पास दो रास्ते, एक यहां और एक यहां। ये कौन सा है? रिवर्स बायस से करंट यहां जाएगा नहीं, तो यहां से ये पाथ लेगा करंट, ठीक है। फिर हमारे लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, कौन सा? एक्स टू वाई, तो ये एक्स है और ये वाई है, यानी यहां से वाई टू एक्स गया, यहां भी वाई टू एक्स गया, बाद में ये ऊपर गया। ये पॉइंट पे वापस से करंट के पास दो रास्ते, यहां जाएगा नहीं, क्यों? रिवर्स बायस है, तो यहां पे करंट फॉरवर्ड बायस में ऐसे जाएगा। ये पॉइंट पे वापस दो रास्ते, यहां पे कौन सा है? रिवर्स बायस से करंट यहां पे जाएगा नहीं, तो ये साइड जाएगा, यानी प्लस से निकला और माइनस में पहुंच गया। यानी कि हमें वापस ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी, उसमें हमें आउटपुट ऐसे मिलेगा, ठीक है। और ये आउटपुट कौन से डायोड की वजह से मिला? D3 और D4 की वजह से, तो यहां पे लिख लो D3 और D4 की वजह से। ऐसे ही वापस से ये पॉजिटिव के लिए D1 और D2 की वजह से हमें मिलेगा, क्यों? फॉरवर्ड बायस में होंगे। नेगेटिव के लिए D3 और D4 की वजह से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अब फॉरवर्ड बायस में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं चेंज कर रहा? यहां नीचे से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन देख लो, वाई टू एक्स है, ठीक है। अब x टू y हुआ तो डायरेक्शन चेंज होगा। यहां पे देख लेते हैं नेगेटिव के लिए, यहां भी y टू x है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, यानी ये डीसी करंट हमें मिल रहा है। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।